ये चैप्टर सर्कुलर मोशन दो कारण से इंपॉर्टेंट है। पहला ये हर आगे वाले चैप्टर का बेस है, जिसको सर्कुलर मोशन आता है उसको रोटेशनल बहुत आराम से आ जाएगा, जिसको सर्कुलर मोशन आता है उसको वर्क पावर एनर्जी आराम से आ जाएगा, जिसको सर्कुलर मोशन पता है उसके लिए SHM कुछ नहीं है, जिसको सर्कुलर मोशन आता है उसके लिए वेव्स कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दूसरी बात, इसकी फील नहीं आती है। तुम जिंदगी में जब ट्रक पे जब तुम कभी ट्रेन में या बस में हवाई जहाज पे जाते हो तो ट्रांसलेशनल मोशन में जाते हो, तुमको उसका थोड़ा एक्सपीरियंस भी होता है, सर्कुलर मोशन का एक्सपीरियंस नहीं होता है। इसलिए इसकी एक्सपीरियंस पढ़ने के बाद आती है, करके नहीं आती है। और एक चीज बता दूं, यूनिवर्स में जितना मोशन हो रहा है पूरी यूनिवर्स सर्कुलर मोशन में घूम रही है, ट्रांसलेशन में कहीं कोई मोशन नहीं हो रहा है। पूरी यूनिवर्स, चाहे वो सन का मोशन हो, अर्थ का मोशन हो, मून का मोशन हो, ठीक है, चाहे इलेक्ट्रॉन का मोशन हो, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया, सबसे नीचे इलेक्ट्रॉन से सबसे ऊपर यूनिवर्स सर्कुलर मोशन में है, तो सर्कुलर मोशन बिना आपकी को कुछ समझ नहीं आएगा। दूसरी बात, दुनिया का सारा मोशन सर्कुलर मोशन है, इवन स्ट्रेट लाइन मोशन भी सर्कुलर मोशन है, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होती है। वी आर गोइंग टू टेक दैट एवरी मोशन इज ए स्पेशल केस ऑफ सर्कुलर मोशन, बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, ठीक, तो उसको समझना अच्छे से। अभी कंबाइंड क्लास है, 5 बजे मैं क्लास लूंगा 12th बैच की, 12th और ड्रॉपर वाले जो बैच है मर्ज, उसमें मैं करंट जो लास्ट क्लास में पढ़ा रहे थे उसके बाद का पढ़ाएंगे, ठीक है। ये शायद इन्फॉर्मेशन तुमको मिल गई होगी, ठीक है। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है समझो, मोशन ऑन ए सर्कुलर पाथ, इसका मतलब मोशन एक सर्कुलर पाथ हो रहा है। ट्रेजेक्ट्री क्या है सर्कुलर है। अब सर्किल क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इट्स द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, सर्किल इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन, एक प्लेन में टू डायमेंशन में, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। तो यहां से अगर आप आर डिस्टेंस पे, हम क्या करते हैं जब हम कंपास से जब हम वो करते हैं क्या करते हैं जब हम सर्किल ड्रॉ करते हैं क्या करते हैं एक टिप को टिकाते हैं यहाँ पे, देखो हम क्या करते हैं, हम एक टिप को, ये हमारा कंपास, हम इसको यहाँ टिकाते हैं इस तरह से, ये करते हैं ना, इसको यहाँ फिक्स करते हैं यहाँ पे और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को घुमा देते हैं, हमको इक्विडिस्टेंट पॉइंट प्लेन में मिल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्कल। इधर 3 डायमेंशन में होता है तो क्या होता है स्फीयर, 2 डायमेंशन में सर्कल कहलाता है। इट इज लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द स्पेस सच दैट द डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड सेंटर, वो इक्विडिस्टेंट पॉइंट होता है, उसका लोकस होता है। मैथमेटिक्स जब पढ़ोगे, शायद 11th वाले नहीं पढ़ा है फिर भी बता देते हैं, अरे इसकी सेंटर एच कॉमा के है, अगर इसकी सेंटर की कोऑर्डिनेट एच कॉमा के है और रेडियस आर है तो इसकी इक्वेशन होती है, इस पे कोई भी पॉइंट एक्स कॉमा वाई, समझो अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, अगर सेंटर का कोऑर्डिनेट एच कॉमा के है और इसकी रेडियस जो है कितनी है एक्स है, तो इस पे कोई भी पॉइंट ले लो एक्स कॉमा वाई, वो इस चीज को सेटिस्फाई करेगा, क्या करेगा, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर, यानी एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, दिस इज इक्वेशन ऑफ ए सर्किल विथ सेंटर एट एच कॉमा के एंड रेडियस आर। 11th के बच्चों के लिए कुछ ये नया पॉसिबल है, लग रहा हो कुछ नया है, पर इसमें कुछ नया है नहीं, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज फिक्स्ड, ठीक, तो ये होता है। अब समझो ये सर्किल पे घूम रहा है, ये थोड़ा मैथ था जो मैंने बता दिया, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म भी होता है इक्वेशन का, वो हमको अभी उसमें इंटरेस्ट नहीं है,
ठीक है। तो समझो सर्कुलर मोशन का मतलब होता है मोशन ऑन ए सर्कुलर पाथ, समझो मोशन ऑन ए सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मोशन का मतलब होता है मोशन ऑन ए सर्कुलर पाथ। तो एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। अभी तक हमने क्या किया, 1D मोशन देखा था और ये 2D मोशन है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हम एक लाइन खींचते हैं, यहां से सेंटर से एक लाइन खींचते हैं, एंड लेट अस कॉल दिस लाइन एज रेफरेंस लाइन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेफरेंस लाइन, इसको हम बोलते हैं रेफरेंस लाइन, इसको बोलते हैं रेफरेंस लाइन। ये वो, ये क्या है, दिस इज द ओरिजिन ऑफ एंगल। रेफरेंस लाइन का मतलब क्या है, ओरिजिन ऑफ एंगल। अगर आप यहां से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, तो हम बोलेंगे एंगल पॉजिटिव है, और क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंगल नेगेटिव है। अब सोचो इस सर्किल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स है, इस सर्किल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट है, और कोई पार्टिकल इसके ऊपर चल रहा है। हम जानना चाहते हैं पार्टिकल कहां है, वेयर इज द पार्टिकल लोकेटेड। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज एंगुलर पोजिशन, एंगुलर पोजिशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। एंगुलर पोजिशन का मतलब है वेयर इज पार्टिकल, वेयर इज द पार्टिकल। हम ये सवाल जानना चाहते हैं, इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि पार्टिकल अभी कहां पर है, इस पूरी सर्किल में जो इनफाइनाइट पॉइंट है, पार्टिकल कहां पर है। तो हमको एक यूनिक चीज बताना होगा, और वो होगा इस रेडियस के सर्किल पे एक पर्टिकुलर एंगल। यहां से अगर हम एक एंगल लेंगे थीटा, हम कहेंगे जब पार्टिकल ए पर है तो उसकी एंगुलर पोजीशन प्लस थीटा है, यानी पर्टिकुलर रेडियस के सर्किल पे, एक पर्टिकुलर रेडियस के सर्किल पे, एक पर्टिकुलर एंगल पे एक यूनिक पॉइंट होगा। भले इस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट का एक चीज यूनिक है, और वो क्या है, एंगुलर पोजीशन। थीटा इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन मतलब क्या होता है, थीटा, थीटा इज द एंगुलर पोजीशन। वो उस पॉइंट पर, हम बता दें यहां से पाई बाय 3 पर है, पाई बाय 6 पर है। एंगल क्या होता है, एंगल होता है, देखो ये अगर लेंथ है, ये मान लो पॉइंट पी था, ये होता है पी ए, आर्क लेंथ पी ए, आर्क लेंथ पी ए बाय रेडियस, इसको क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। यूनिट क्या होती है, रेडियन। यूनिट क्या होती है, रेडियन, एसआई यूनिट होती है रेडियन, एसआई यूनिट होती है रेडियन। और ये डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस का मतलब है बिकॉज एल बाय एल कट जाता है, डायमेंशनल, डायमेंशन लेस। सो अगर कोई क्वांटिटी डायमेंशन लेस होता है तो उसको यूनिट हो सकता है, बट यूनिट होता है तो हो सकता है वो उसको डायमेंशन हो। अगर कोई जो है पार्टिकल डायमेंशन लेस है उसको यूनिट हो सकता है, बट यूनिट, बट अगर डायमेंशन है तो यूनिट जरूर होगा। ये हमने अपने उसमें वीडियो में भी दिया हुआ है, पूरा बहुत डिटेल में है सब कुछ, कितने क्वांटिटीज होते हैं, जो भी है। ये होता है एंगल, ये होता है एंगल। अब समझो जब ये एंगल चेंज करेगा हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दूसरा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब क्या है, एंगल रोटेटेड, एंगल रोटेटेड बाय पार्टिकल, इसका मतलब क्या है, चेंज इन एंगुलर पोजीशन, चेंज इन एंगुलर पोजीशन, दैट इज इक्वल टू थीटा टू माइनस थीटा वन, दैट इज इक्वल टू डी थीटा। समझो लार्ज एंगल चेंज स्केलर होता है, स्मॉल एंगल चेंज वेक्टर होता है। लार्ज एंगल चेंज, लार्ज एंगल चेंज स्केलर होता है, स्मॉल एंगल चेंज वेक्टर होता है। यानी हम यहां वेक्टर नहीं लिख सकते हैं, हम इसको वेक्टर नहीं लिख सकते हैं, दिस इज रॉन्ग। ये स्केलर है, ये वेक्टर है, स्मॉल चेंज और बिग चेंज। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, व्हाई स्मॉल एंगल चेंज इज
वेक्टर एंड लार्ज एंगल चेंज इन स्केलर। ये देखो ये डब्बा दिख रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। जो होता है हम क्या कर रहे हैं, इसको दो रोटेशन दे रहे हैं, कितने कितने का, 90 डिग्री और 90 डिग्री का, हम इसको दो रोटेशन दे रहे हैं। समझो हमारा एक्स और वाई एक्सिस इस तरह से कैसे है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, हम इसको दो रोटेशन दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं, एक दे रहे हैं एक्स में, एक दे रहे हैं एक्स में, समझ रहे हो। एक्स एक्सिस के तरफ रोटेशन का मतलब है कि हम इसको एक्स के अबाउट ऐसे घुमा रहे हैं, एक्स एक्सिस अबाउट इसको हम घुमा रहे हैं। तो पहले हम इसको एक्स के अबाउट 90 से घुमा रहे हैं, तो समझो मेरा रोटेशन जो है वो इस डायरेक्शन में, तो वो इस तरह घूमेगा। देखो हम इसको एक्स एक्सिस को फिक्स कर दिए हैं और इसको इसके अबाउट रोटेट कर दिए, ऐसे हो गया, समझ रहे हो ना। अब क्या कर रहे हैं हम, वाई एक्सिस में इसको घुमा रहे हैं, अब इसको क्या कर रहे हैं, वाई को फिक्स कर दिए और इसके अबाउट अब इसको हम घुमा रहे हैं, ठीक है, वाई के अबाउट। तो वाई को घुमाओगे क्या होगा, ये फिक्स रहेगा, ये इस तरह घूम जाएगा, ये आएगा, दिख रहा है, मैं फिर से कर रहा हूं। देखो मैं इसको पहले एक्स में घुमा रहा हूं, तो एक्स में तुम दो तरह घुमा सकते हो, इस तरह और इस तरह। सोचो इसको रख के तुम इसको ऐसे भी घुमा सकते हो, ऐसे भी घुमा सकते हो, इसमें कौन सा एक्स कहलाएगा, जिधर रोटेट करने पर राइट हैंड इस तरह होना चाहिए, राइट हैंड इस तरह मतलब क्या हो गया, घूमना है इस तरह, कैसे घूमना है इस तरह, सो राइट हैंड इस तरह घूमना है इस तरह, ऐसे घुमाओ, दिस इज फर्स्ट रोटेशन। अब वाई के अबाउट घुमाओ, दिस इज सेकेंड रोटेशन, ये आएगा। अब मैं इसको रिवर्स कर रहा हूं, पहले वाई में 90 तब एक्स में 90, अलग आएगा, इसको पहचान लो, इसको पहचान लो, ये वो साइड था जो आया था। और फिर से देखो, अब मैं इसको पहले वाई में घुमा रहा हूं, पहले मैं क्या कर रहा हूं, इसको वाई में घुमा रहा हूं, y में घुमाऊंगा तो इस तरह घुमाऊंगा, कैसे, ऐसे, ये हो गया y, समझ रहे हो ना। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, x में घुमा, इसको फिक्स करके अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको x में घुमा रहा हूं, x में घुमाने मतलब है ये घूमेगा किस तरह से, ऐसे करके, अब ये आ गया। इसका मतलब है वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज नॉट इक्वल टू वेक्टर b प्लस वेक्टर a, दैट मीन्स इट डू नॉट फॉलो ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ का एक इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी होता है क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव मीन्स क्या है, जब तुम इसको करते हो, लार्ज एंगल डेल्टा थीटा वन प्लस डेल्टा थीटा टू इज नॉट इक्वल टू डेल्टा थीटा टू प्लस डेल्टा थीटा वन, देयरफॉर स्केलर। ये ट्रायंगल लॉ का बेसिक प्रॉपर्टी है, उसको ये फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन लेकिन अगर मैं इसको छोटा एंगल रखूंगा तो सेम आएगा। देखो कैसे, पहले मैं इसको एक्स में घुमा रहा हूं, पहले मैं इसको क्या कर रहा हूं, एक्स में घुमा रहा हूं, बहुत छोटा एंगल, ये हो जाएगा कुछ ऐसा, ऐसा छोटा सा, ठीक है, हल्का सा टिल्ट कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको वाई में घुमा रहा हूं, वाई में, और ये हो जाएगा ऐसा, तुमको ये दिखेगा तिरछा सा दिखेगा। अब मैं इसको उलट रहा हूं, पहले मैं इसको y में घुमा रहा हूं, पहले मैं इसको y में घुमा रहा हूं, तो y में घुमाऊंगा इस तरह से घुमाऊंगा, और फिर मैं इसको जो है क्या करूंगा, x में घुमाऊंगा, तो x में घुमाऊंगा इस तरह से, वही आ गया जो पहले था, ठीक। तो ये हाँ बताओ, नहीं नहीं लगता है। तो जो लार्ज एंगल डेल्टा थीटा वन प्लस डेल्टा थीटा टू आपने बोला, तो उसमें वेक्टर लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं, वो गलत हो रहा है, हमने करके देखा वो गलत आ गया। हम ये सोच सकते हैं ना कि वेक्टर का समेशन वेक्टर होगा। देखो ये लार्ज भी तो छोटे छोटे एंगल से मिलके बना था ना, ये लार्ज छोटे 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 से मिलके बना था। तो वो बेसिकली क्या है, तुमने पढ़ा होगा कि मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, ट्रायंगल लॉ को फॉलो करे तो वो क्या होता है,
वेक्टर होता है ना, मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो, ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर दे। ऐसा है नहीं, मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन हो ट्रायंगल लॉ को फॉलो भी कर रहा है, लेकिन ट्रायंगल लॉ के हर प्रॉपर्टी को फॉलो करे। ट्रायंगल लॉ तो हम यहाँ लगा ही दिए, ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करना चाहिए वेक्टर का सम। बेसिक रीजन इसका क्या है कि हम मान लेते, हम पहले ये मान लिए थे कि ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रहा है, लेकिन जब उसको देखे वो ऑर्डर पे डिपेंडेंट है, ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू बी प्लस ए, तो समझ में आया कि ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग जो ए प्लस बी आ रहा है और ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग जो बी प्लस ए आ रहा है वो दोनों अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब ट्रायंगल लॉ यहाँ एप्लीकेबल ही नहीं है, इसीलिए ये स्केलर है, इसीलिए ये जो है स्केलर है। ठीक, इसका यूनिट क्या होगा? रेडियन होगा। तो समझो, मान लो ये यहां पर था और अब ये यहां पहुंच गया, हम इसको क्या बोलेंगे? इसको डी थीटा, इसको बोलेंगे वेक्टर। अगर बहुत छोटा है तो वेक्टर, क्या बोलेंगे? वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको? वेक्टर। अच्छा, एंगुलर क्वांटिटी जो है होती तो प्लेन में है, बट डायरेक्शन हर एंगुलर क्वांटिटी का उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। कैसे होता है? राइट हैंड थंब रूल। देखो, अगर ये तुमको डी थीटा दिख रहा है, ये डी थीटा वेक्टर है, ये दिख तो रहा है इस प्लेन में एंटी क्लॉकवाइज, बट इसका डायरेक्शन निकालना चाहते हो तो जिधर ये टर्न हो रहा है उस डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करो, तो कर्ल इस तरह होगा। तो थंब का डायरेक्शन बताता है डायरेक्शन ऑफ डी थीटा के, मींस एनी एंगुलर क्वांटिटी हैज डायरेक्शन, चाहे वो एंगुलर वेलोसिटी हो, एंगुलर एक्सेलरेशन हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, कुछ भी हो, एनी एंगुलर क्वांटिटी हैव डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल। और कैसे निकालते हैं? उस प्लेन पे दो नॉर्मल पॉसिबल है, एक बाहर निकलता हुआ और एक अंदर जाता हुआ। तो राइट हैंड के फिंगर्स को अगर उस डायरेक्शन में सेंस में कर्ल करोगे तो फिंगर का डायरेक्शन उसका डायरेक्शन देता है, गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। यानी अगर ये एक्स एक्सिस है, समझो अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो यहां डी थीटा को लिखोगे डी थीटा वेक्टर इज इक्वल टू डी थीटा टाइम्स ऑफ के कैप। क्यों लिखोगे के कैप? क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है? बाहर की तरफ है। देखो डी थीटा एंटी क्लॉकवाइज है, राइट हैंड के फिंगर्स को क्या करो, इसको एंटी क्लॉकवाइज टिल्ट करो, तो थंब तुम्हारे तरफ आएगा। तो जब तुम एक वेक्टर यहां बनाओगे इस डायरेक्शन में, तो ये एक्स है और ये वाई है, ये किस डायरेक्शन होगा? जेड डायरेक्शन होगा। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? के कैप होगा। तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, लेकिन जब उसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, ये हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, हमेशा इस प्लेन के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, सो देखो, तो इसको याद रखना, स्मॉल एंगल वेक्टर होता है। मैं नोट्स दूंगा तुम लोग, मैं सब कुछ का नोट्स दूंगा। अब देखो, तो तुमने ये देखा, सबसे पहले तुमने ये देखा कि ये एक सर्कुलर मोशन है, इस सर्कुलर मोशन में एक रेफरेंस लाइन है, ये एंगल था पोजीशन, ये था पोजीशन, हम इसको बोलते हैं एंगुलर पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको? हम इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन। ये होता है डी थीटा, डी थीटा जो है वो क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर ये थीटा बढ़ गया तो अपने आप पॉजिटिव होगा, थीटा घट गया तो अपने आप नेगेटिव है। इसका एक सेंस और इसका भी एक डायरेक्शन है, इसका भी एक डायरेक्शन है। जैसे ये देखो, अगर ये इस तरह से घूम रहा है, अगर ये इस तरह से घूम रहा है तो डायरेक्शन तुम्हारी तरफ है। कोई भी क्वांटिटी इस तरह से घूम रहा है तो डायरेक्शन तुम्हारी तरफ है। और अगर कोई क्वांटिटी इस तरह से घूम रहा है, देखो इस तरह से घूम रहा है, तो डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड है, मेरे तरफ है। ठीक है,
सो इसमें क्या होता है, ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थर्ड होता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है जी, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू एंगल रोटेटेड पर यूनिट टाइम। एंगल रोटेटेड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम दैट इज इक्वल टू ओमेगा हो जाएगा डी थीटा बाय डी टी। डी थीटा बाय डी टी मीन्स या ओमेगा टू माइनस ओमेगा थीटा टू माइनस थीटा वन बाय टी टू माइनस टी वन एवरेज होगा, और ये क्या होगा, इंस्टेंटेनियस होगा। चौथा, इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में ये है तो इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, रेडियन का डायमेंशन कुछ नहीं होता है, रेडियन इज डायमेंशनलेस, ये होता है टी माइनस वन। यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, ये होता है टी माइनस वन। कभी कभी क्वेश्चन में आरपीएम दिया होता है, याद रखना आरपीएम का मतलब है रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट। ये ऐसा यूनिट नहीं है जैसे काइनेमेटिक्स इक्वेशन में जो है ना देता है ना 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, तो हम क्या करते हैं उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। वन आरपीएम का मतलब है वन इंटू टू पाई रेडियन, एक रिवॉल्यूशन का मतलब कितना होता है, टू पाई रेडियन पर थर्टी मिनट, वन मिनट मीन्स 60 सेकेंड। तो कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, पाई बाय 30, पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड, पाई बाय 30। वन आरपीएम मीन्स वन रिवॉल्यूशन पर मिनट, मीन्स वन रिवॉल्यूशन मीन्स टू पाई रेडियन पर मिनट मीन्स 60 सेकेंड, सो पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड। चौथा, एंगुलर एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय अल्फा, डिनोटेड बाय अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम क्या करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, ये होता है अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी। सो क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, जैसे मान लो कि इस तरह से है कि t इक्वल टू जीरो पर ये ऐसे घूम रहा था, t इक्वल टू जीरो पर ये इस तरह घूम रहा था, किस रेट से, मान लो 2 रेडियन पर सेकेंड। जब हम फैन का रेगुलेटर बढ़ाते हैं तो वो एंगुलर वेलोसिटी गेन करता है और कुछ देर में कांस्टेंट हो जाता है। t इक्वल टू t पर मान लो, t इक्वल टू मान लो 2 सेकेंड पर, मान लो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ के हो जाती है सपोज 8 रेडियन पर सेकेंड। इसका मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी की, इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी बताओ, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय टी टू माइनस टी वन, दैट मीन्स 8 माइनस 8 रेडियन पर सेकेंड। हमने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना है, 8 रेडियन पर सेकेंड माइनस 2 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय टी टू माइनस टी वन मीन्स व्हाट, टी टू माइनस 2 माइनस 0 तो कितना जाएगा, 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इसका मतलब क्या है, हर सेकेंड इसका एंगुलर स्पीड गेन कर रहा है कितना, 3 रेडियन पर सेकेंड से बढ़ता जा रहा है। ये बिल्कुल लीनियर जैसा ही है, ये बिल्कुल लीनियर जैसा ही है। हम थोड़ा इसमें ये करते हैं, एक बार कंपैरिजन करते हैं, देखो कैसे। सिमिलैरिटी क्या, डिसिमिलैरिटी क्या, देखो समझना इसको।
हमने अभी तक जो पढ़ा था वो 1D मोशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? 1D मोशन। हमने अब तक जो है वो पढ़ा था 1D मोशन। 1D मोशन हमने अब तक जो पढ़ा था वो था 1D मोशन। ठीक है, अब जो है हम पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन। इसमें क्या था, एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चलता था। इसमें क्या था, एक पार्टिकल जो है वो क्या करता था, एक स्ट्रेट लाइन पे चलता था। ठीक है, हम जानते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे एक ओरिजिन था, इस पे मूव करता था। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इस पाथ को, ये जो स्ट्रेट लाइन तुमको दिख रहा था ना, तुमको ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा था, हम क्या कर रहे हैं, इस स्ट्रेट लाइन को बेंड कर देते हैं। कैसे बेंड करते हैं, देखो, ये मान लो कि स्ट्रेट लाइन था, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट दिख नहीं रहा है, टेढ़ा मेढ़ा है, ये मान लो कि स्ट्रेट वायर है। हम इस वायर को ऐसे करके क्या कर रहे हैं, बेंड कर दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे ये बन गया सर्कल। अब देखना क्या होगा, अब देखना क्या होगा, हमने इसको बेंड कर दिया। यहां पे पार्टिकल को लोकेट करने के लिए हम क्या करते थे, इसको मानते थे प्लस एक्स डायरेक्शन, इसको मानते थे माइनस एक्स डायरेक्शन। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, इसको मान रहे हैं नेगेटिव डायरेक्शन, इसको मान रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। किसके लिए, एंगल के लिए। और ये हमारा ओरिजिन है, रेफरेंस लाइन है। यहां से ऊपर जाएंगे पॉजिटिव, इधर जाएंगे नेगेटिव। यहां वही करते थे, इसको राइट को क्या मानते थे, पॉजिटिव, राइट को पॉजिटिव और लेफ्ट को नेगेटिव। हम यहां पहला क्वांटिटी निकाले थे पोजिशन। पोजीशन का मतलब क्या होता है, पार्टिकल है कहां, ये क्या होता था, एक्स कोऑर्डिनेट होता था। जैसे अगर एक्स की वैल्यू हम लिख रहे हैं प्लस 4, यहां से 4 राइट, एक्स की वैल्यू माइनस 3, यहां से 3 लेफ्ट। उसी तरह यहां पे हम पहला क्वांटिटी जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, एंगुलर पोजीशन। क्या लिखेंगे, एंगुलर पोजीशन थीटा। थीटा क्या लिख देंगे हम, इसको बोलेंगे एंगल सबटेंडेड बाय द पार्टिकल एट द सेंटर। दिस इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय पार्टिकल एट द सेंटर। तो ये बताओ, अगर यहां पर कोई पार्टिकल था, इमेजिन करो यहां पर कोई पार्टिकल था x डिस्टेंस पे, अभी वो x डिस्टेंस पे ही है। पहले कोई पार्टिकल यहां पर x डिस्टेंस पे था, ओरिजिन से कहां था, x डिस्टेंस, मैंने इसको घुमा दिया ऐसे, तो अब ये एंगल कितना बनेगा, क्या ये x और r रिलेटेड होगा, क्या ये लीनियर डिस्टेंस, आर्क लेंथ और ये रिलेटेड होगा, बिल्कुल होगा, थीटा हो जाएगा x बाय r। और ये पॉइंट p था और ये पॉइंट p है, हम उसी रस्सी को बेंड कर दिए हैं, तो यहां से अभी अगर अगर हम अलोंग द सर्किल जाएं और आर्क लेंथ कितना मिले x, और यहां भी इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी थी x, तो अब ये x बाय r हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल। ठीक, दूसरा हमने यहां क्या डिफाइन किया था, हमने यहां डिफाइन किया था डिस्प्लेसमेंट। क्या था उसको बोलते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, x2 माइनस x1। यहां क्या डिफाइन करते हैं हम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो जाएगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1। याद रखना थीटा 2 और थीटा 1 दोनों में क्या है, साइन भी है। यहां भी x2 और x कट रहा है, बस और छोटा करता हूं उसको। ठीक है, देखो
थीटा टू माइनस थीटा वन यहाँ होता था एक्स टू माइनस एक्स वन। जैसे ये मान लो यहाँ से प्लस फोर से प्लस सिक्स चला गया, प्लस फोर इनिशियल प्लस फोर प्लस सिक्स तो प्लस टू चला गया, राइट चला गया। यहाँ मान लो थ्री रेडियन से प्लस थ्री से प्लस फोर चला गया, इनिशियल था प्लस थ्री रेडियन, बाद में कितना है प्लस फोर रेडियन, तो क्या हो जाएगा वन रेडियन। प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज चला गया, तो अपने आप तुमको ये डायरेक्शन भी जो है देगा। क्या इसको हम लिख सकते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन बाय आर, हर एंगुलर क्वांटिटी लीनियर क्वांटिटी से आर डिवाइड करने पे आता है। हर एंगुलर क्वांटिटी एनी एंगुलर क्वांटिटी एंगुलर क्वांटिटी एनी एंगुलर क्वांटिटी इज इक्वल टू लीनियर क्वांटिटी बाय आर। तीसरा वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी ये क्या होता था डी एक्स बाई डी टी, इसको हम लिखते थे एक्स टू माइनस एक्स वन बाई टी टू माइनस टी वन। इसको क्या बोलते थे एवरेज वेलोसिटी, इसको बोलते थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंट। यहां पर होगा तीसरा एंगुलर वेलोसिटी डिनोटेड बाय ओमेगा, दैट इज गोइंग टू बिकम v2 थीटा टू माइनस थीटा वन बाय टी टू माइनस टी वन, थीटा टू माइनस थीटा वन बाय टी टू माइनस टी वन। किसी टाइम पे थीटा वन पे था, थोड़े टाइम बाद थीटा टू पे पहुंच गया, कितने टाइम में कितना एंगल घूमा, एंगल रोटेटिंग पर सेकेंड, ये इसको लिख सकते हैं d थीटा बाय dt। किस टर्म में अगर हम जानना चाहें इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस d थीटा बाय dt। चौथा तो ये बताओ अगर यहां इसकी वेलोसिटी v थी और यहां इसकी वेलोसिटी v थी, यानी अभी इसकी यहां पर वेलोसिटी कितनी है v है, तो यहां पर अगर इसकी वेलोसिटी v थी किसी मोमेंट इसकी वेलोसिटी v थी, इसी को मैंने जब सर्कुलर पाथ में घुमा दिया तो इसकी स्पीड टेंजेंट के अलोंग होगी, अलोंग द टेंजेंट वो मूव कर रहा है v से, तो एंगुलर स्पीड हो जाएगा v बाय r। क्यों एंगुलर स्पीड होगा v बाय r, क्यों v इज इक्वल टू होता है v को लिख दोगे dx बाय dt, क्या लिख देंगे dx बाय dt। देखो स्मॉल टाइम dt में ये कितना एंगल मूव करेगा, कितना डिस्टेंस मूव करेगा v dt, सो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है d थीटा बाय dt। d थीटा का मतलब है समझो d थीटा बाय dt, d थीटा का मतलब है थीटा इज इक्वल टू क्या होता dx बाय r, ये क्या है बताओ dx बाय r स्मॉल लेंथ जो ये चलेगा अलोंग दिस कर्व अलोंग दिस सर्किल dx बाय r बाय dt, और dx बाय dt होता है v, dx by dt होता है v, तो v by r angular velocity is equal to linear velocity by r। चौथा acceleration linear acceleration, इसको हम क्या लिखते हैं dv by dt या v2 minus v1 by t2 minus, ये क्या बताता है किस रेट से इसकी स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, यहां पर एक्सीलरेशन एंगुलर एक्सीलरेशन हो जाएगा, बताओ एंगुलर एक्सीलरेशन हो जाएगा डी ओमेगा बाय डीटी। जब तुम फैन को स्विच ऑन करते हो रिस्ट से घूमना शुरू करता है, उसकी स्पीड बढ़ती जाती और फिर कांस्टेंट होता है, तो उस दौरान उसकी हर एक सेकंड पे वो कुछ एंगुलर वेलोसिटी गेन कर रहा है, वो हर एक सेकंड के बाद एंगुलर वेलोसिटी गेन कर रहा है, उस गेन इन एंगुलर वेलोसिटी ईच सेकंड को हम क्या बोलते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। ये हो गया डी ओमेगा बाय डीटी, तो डी ओमेगा बाय डीटी हो जाएगा, तो इसको क्या लिख देंगे हम, इसको हम लिख देंगे डी ओमेगा बाय डीटी का मतलब है कि डी ओमेगा ये था कितना वी बाय आर, ये कितना था वी बाय आर, आर तो कॉन्स्टेंट है तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे वन बाय आर कॉन्स्टेंट तो ये कितना हो जाएगा बताओ, दैट इज गोइंग टू बिकम दिस अल्फा
अल्फा ई डी ओमेगा बाई डी टी दैट वुड बिकम इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करना है, वन बाय आर बाहर डी वी बाई डी टी, मतलब कितना हो गया ए बाई आर, कितना हो गया ए बाई आर। यानी कि अगर यहां पर इसकी एक्सीलरेशन ए थी और यहां पर इसकी एक्सीलरेशन कितनी थी, लीनियर एक्सीलरेशन ए थी, और वही लीनियर एक्सीलरेशन अभी भी यहां पर है, अभी भी इस पॉइंट पे इसका लीनियर एक्सीलरेशन वही है, कितना है ए है टेंजेंशियली, तो इसकी एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है ए बाय आर, जिस रेट से इसकी एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगी ए बाय आर, ठीक। बट क्या ये इसकी नेट एक्सीलरेशन है, क्वेश्चन इज क्या ये इसकी नेट एक्सीलरेशन है, देखते हैं, ठीक है। तो लीनियर और एंगुलर क्वांटिटी का ये रिलेशन होता है, दैट इज व्हाई, दैट इज व्हाई अगर हम कभी ऐसा हो, अगर कभी ऐसा हो बता रहा हूं देयर आर फाइव मेथड्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, ठीक है, हम पांचों मेथड लेंगे वन बाय वन, हम पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ाएंगे इसी में, तो बताएंगे कैसे होता है। पहले तुम ये समझो कि सर्कुलर मोशन में हमारे तीन क्लासिफिकेशंस हैं, तीन सब टॉपिक में मैंने इस टॉपिक को डिवाइड किया है। पहला है काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, दूसरा है डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, और तीसरा है सम कॉन्सेप्ट्स, सम ट्रिक्स एंड सम कॉन्सेप्ट्स नॉट वेरी यूजफुल बट नॉट गिवन इन बुक्स, ठीक है। सो पहला जो है हमारा वो जो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन है, पहले इसको समझो, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ काइनेमेटिक्स, तुम यहां पे बात फोर्स की नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट इंटरेस्टेड व्हाई एक्सेलरेशन इज देयर, तुम यहां डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी काइनेमेटिक इक्वेशन इसकी बात कर रहे हो, ठीक है, ये होता है। तो यहां पे हम ये कह रहे हैं कि जो जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन पे घूमता है, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन पे घूमता है, तो जब वो कभी उसकी एंगल मान लो थीटा है, किसी टाइम टी पर वो एंगल थीटा बना रहा था, और टाइम टी प्लस डीटी पर, टाइम टी प्लस डीटी पर ये एंगल बन जाता है थीटा प्लस डी थीटा, ये कितना बन जाता है डी थीटा, ये एक्स्ट्रा हो जाता है, थीटा बढ़ के कितना हो जाता है थीटा प्लस डी थीटा। तो हम कहेंगे इस समय इसकी जो एंगुलर स्पीड है ओमेगा, वो कहलाएगी ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। ये बात और है कि ये डी थीटा और आर आपस में रिलेटेड है, अगर ये लीनियर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है dx along the tangent, ये कितना मूव किया dx, हम जानते हैं कि डी थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, dx बाय r, डी थीटा क्या होता है आर्क लेंथ बाय रेडियस, यानी कि एंगुलर क्वांटिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय रेडियस, एंगुलर क्वांटिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये मैग्नीट्यूड वाइज है, ये अगर स्मॉल डी थीटा, ये डीएक्स का डायरेक्शन क्या है टेंजेंशियल, इसका डायरेक्शन क्या है नॉर्मल, डी थीटा किधर है इधर, बताएंगे क्या होता है एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है। तो ओमेगा होता है डी थीटा बाय डी टी, तुम चाहो तो डी थीटा को क्या लिख सकते हो, तुम चाहो तो डी थीटा को क्या लिख सकते हो, तुम यहां लिख सकते हो वन बाय डी टी बाहर निकाल दो, डी थीटा को लिख दो डी एक्स बाय आर, और तुम जानते हो डी एक्स बाय डी टी होता है वी, डी एक्स बाय डी टी क्या होता है, dx by dt क्या होता है, ये होता है वेलोसिटी,
लीनियर वेलोसिटी बाय आर। सो एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी बाय आर। सेकंड, क्या ये सिमिलर टू इक्वेशन नहीं है? क्या ये ओमेगा इज इक्वल टू, हम क्या वो नहीं कर रहे हैं हम जो पहले करते थे, कि हमारा पहले इक्वेशन लीनियर में क्या होता था, लीनियर मोशन में हम लिखते थे वेलोसिटी इज इक्वल टू, हम लीनियर मोशन में लिखते थे वेलोसिटी इज इक्वल टू डीएक्स बाय डीटी, और क्या लिखते थे, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाय डीटी। इसको एक और तरह से लिखते थे, क्या लिखते थे, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वी डीवी बाय डीएक्स लिखते थे ना, याद है? Yes, sir. हम x की जगह थीटा डाल रहे हैं, हम x की जगह थीटा डाल रहे हैं, हम v की जगह ओमेगा डाल रहे हैं, और हम a की जगह अल्फा डाल रहे हैं। हम x की जगह थीटा दे रहे हैं, v की जगह ओमेगा दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी, ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी, और ये हो जाएगा a, a की जगह अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। एग्रीड? जहां x वहां थीटा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सीलरेशन एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है? उसी तरह से तुम यहां लिख सकते हो, तुमको पता है अल्फा को हम क्या डिफाइन करते हैं, डी ओमेगा बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, वन बाय आर कॉन्स्टेंट डी वी बाय डी टी, दैट वुड बिकम व्हाट, ए लीनियर एक्सीलरेशन बाय आर, दिस इज अल्फा, एंगुलर एक्सीलरेशन लीनियर एक्सीलरेशन बाय आर, एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी बाय आर। हम इसको इंटीग्रेट करके निकाल सकते, नहीं तो ये लिख सकते, हम जानते हैं इफ एक्सीलरेशन इज कॉन्स्टेंट, इफ एक्सीलरेशन इज कॉन्स्टेंट, हमारे पास इक्वेशन था वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ठीक है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस, ये था ना? अगर एक्सीलरेशन कॉन्स्टेंट होता है तो, एग्रीड? अगर एक्सीलरेशन कॉन्स्टेंट है तो अल्फा का क्या होगा, अल्फा होता है ए बाय आर, बिकॉज एक्सीलरेशन तुम कॉन्स्टेंट कह रहे हो, आर भी कॉन्स्टेंट है तो ये भी कॉन्स्टेंट है, अल्फा कॉन्स्टेंट है। एक काम करो, इसमें दोनों साइड आर से डिवाइड कर दो, इसको आर से डिवाइड कर दो, इसको आर से डिवाइड कर दो, इसको आर से डिवाइड कर दो, वी बाय आर इज ओमेगा फाइनल, वी बाय आर इज व्हाट, ओमेगा फाइनल, इज ओमेगा इनिशियल, इसको लिख रहे हैं ओमेगा नॉट से, वहां क्या वी इज इक्वल टू यू प्लस इट, वहां लिखते थे यू, यहां लिखते हैं वी नॉट, ओमेगा नॉट या ओमेगा इनिशियल टी इज इक्वल टू जीरो पे, प्लस ए बाय आर कितना होता है अल्फा, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको भी आर से डिवाइड करो, इसको भी आर से, इसको भी आर से, एस बाय आर को बोलते हैं टोटल एंगल रोटेटेड, बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल, टोटल अगर मान लो ये यहां से घूम के यहां तक पहुंच गया तो कितना एंगल घूमा, डेल्टा थीटा ये कितना घूमा, तो कैसे निकालोगे, एस बाय आर, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू एंगल रोटेटेड ओमेगा नॉट टी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए बाय आर को क्या बोलेंगे, अल्फा, वी स्क्वायर यहां पे आर से डिवाइड कर दो, आर स्क्वायर से, आर स्क्वायर से, आर से और आर से, सबको आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो, वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ओमेगा इनिशियल स्क्वायर इज टू इंटू ए बाय आर मीन्स अल्फा, एस बाय आर मीन्स डेल्टा थीटा। ये तीनों इक्वेशन वैलिड है अगर अल्फा कांस्टेंट होगा तो,
ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। याद रखना एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव तो क्लॉकवाइज नेगेटिव, या अगर दोनों एक डायरेक्शन में तो पॉजिटिव। यहाँ पे डायरेक्शन का सेंस क्या होता था, अगर इनिशियल वेलोसिटी राइट है एक्सेलरेशन भी राइट है, एक को पॉजिटिव माना दोनों पॉजिटिव हो गया, या अगर इनिशियल वेलोसिटी राइट है रिटार्डेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अल्फा इज नेगेटिव, अल्फा इज मीन्स ए इज नेगेटिव। चलो देखते हैं, इस तरह से नहीं होगा, कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, लेट अस डू सम क्वेश्चन। वर्कबुक निकालो, वर्कबुक होगा सबके पास आई थिंक, वर्कबुक में निकालो, सर्कुलर मोशन चैप्टर पे आओ, इन वर्कबुक वन कम टू पेज नंबर 137, ठीक है, क्वेश्चन वन, क्वेश्चन नंबर वन, ए कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 500 मीटर, इफ इट इज स्पीड इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज, नहीं ये नहीं, अभी ये नहीं, काइनेमेटिक्स में ये नहीं होगा। अच्छा क्वेश्चन टू देखो पहले, द स्पीड ऑफ ए मोटर कार मोटर इंक्रीजेस फ्रॉम 1200 आरपीएम टू 1800 आरपीएम 20 सेकंड, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन डज इट मेक ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम में इसने कितने रिवॉल्यूशन जो है किए हैं, देखते हैं। देखो 30 मीटर पर सेकंड 500 मीटर, सेकंड क्वेश्चन, एक कार है जो एक कार है जो कि सर्कुलर मोशन पे चल रही है, और उसमें क्या हो रहा है, देखो एक कार इज मूविंग ऑन द सर्कुलर मोशन, और किसी समय पे उसकी एंगुलर वेलोसिटी ये थी, और कुछ टाइम बाद उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है, क्या दिया हुआ है 20 सेकेंड। मान लो किसी टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे और t इज इक्वल टू 20 पे, t इज इक्वल टू जीरो पे और t इज इक्वल टू 20, t इज इक्वल टू जीरो पे उसकी एंगुलर वेलोसिटी थी 1200 आरपीएम, और ये कितनी है 1800 आरपीएम। पूछा है फाइंड द हाउ मेनी रिवॉल्यूशन, इतने देर में इसने कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया, तुमको पता है जब भी वो 2π एंगल घूमेगा तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। तो एक काम करते हैं, लिखते हैं, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस ना, हमको डेल्टा थीटा चाहिए, हमको ये पता है, हमको ओमेगा वन पता है 1200 आरपीएम इंटू 2π बाय 60, 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन 2π एंड पर मिनट दिस, दिस इज वॉट 40π आई थिंक 40π रेडियन पर सेकेंड, सो दिस वुड बिकम 60π, इसका 1.5 टाइम्स है 60π रेडियन पर सेकेंड। तो क्या करना है हमको, बता रहा है कितना ये रोटेट किया ना, ये कितना रिवॉल्यूशन, हमें डेल्टा थीटा निकालना है, डेल्टा थीटा कैसे निकालेंगे, तो कौन सा लगाएं इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s नहीं आएगा, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू हाफ, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो एक काम करते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2 इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, b = u + at, so first law answer equation is
पहले फर्स्ट लगाते हैं, वी इज इक्वल टू सो ओमेगा टू इज इक्वल टू ओमेगा वन प्लस अल्फा डेल्टा टी अल्फा टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सो यू आर गोइंग टू गेट 60 पाई इज इक्वल टू 40 पाई प्लस अल्फा इंटू 20, सो अल्फा इज इक्वल टू पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अब क्या करते हैं, एंगल निकालना है, ओमेगा टू स्क्वायर माइनस ओमेगा वन स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, ओमेगा टू स्क्वायर मीन्स 60 पाई होल स्क्वायर माइनस ओमेगा वन स्क्वायर मीन्स 40 पाई होल स्क्वायर टू इंटू अल्फा इज पाई इंटू डेल्टा थीटा, सो डेल्टा थीटा वुड बिकम इक्वल टू 3600 पाई स्क्वायर माइनस 40 पाई स्क्वायर 2000 आई थिंक 3600 2000 पाई स्क्वायर बाय 2 पाई, कितना ये बताओ 1000 पाई ना, 1000 पाई का मतलब कितना रिवॉल्यूशन हुआ, इसको 2 पाई से डिवाइड कर दो, 2 पाई का रिवॉल्यूशन मतलब 2 पाई रेडियन मींस 1 रिवॉल्यूशन, तो कितना कितना 500 रिवॉल्यूशन, ठीक है, तो 500 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, थीटा दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर, टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, तो ओमेगा हो जाएगा डी थीटा बाय डी टी, तुम जानते हो टी क्यूब का डिफरेंशिएशन टी के साथ, थ्री टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू टी, टी का डिफरेंशिएशन वन प्लस जीरो, इसका वैल्यू निकालना है कहां पे, टी इज इक्वल टू टू सेकेंड पे, t इज इक्वल टू टू सेकेंड पे, ओके। अब ये देखो इसने क्या किया है, इसने क्या किया है, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स को, सॉरी काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स को मिक्स कर दिया है, इसने काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स को मिक्स कर दिया है, इसीलिए दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन जो है इस तरह से नहीं है। खैर रुको, मैं दोनों करा ही देता हूँ, पहले मैं दोनों करा ही देता हूँ, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स मैं दोनों करा देता हूँ। देखो हम पहला केस ले रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या ले रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका मतलब क्या है, सर्कुलर मोशन तो हो रहा है, नहीं, सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, इसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो क्या होगा, ऐसे ये चल रहा है, कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ठीक है, इस तरह से चल रहा है कि इस पॉइंट पे जब ये है तो इसकी स्पीड इतनी है, कितनी है, v है, जब ये इस पॉइंट पर है तब इसकी स्पीड कितनी है, टेंजेंशियली v है, जब इस पॉइंट पर है तब इसकी स्पीड कितनी है, टेंजेंशियली v, हमेशा इसकी स्पीड कितनी है, v है, ठीक है, रेडियस की कितनी r है। चलो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं क्या इसकी स्पीड कांस्टेंट है, क्या इसकी स्पीड कांस्टेंट है, बिल्कुल स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड इसकी कांस्टेंट है, क्योंकि स्पीड होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। दूसरा क्या इसकी एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, क्या इसकी एक्सीलरेशन जीरो है, क्या इसकी एक्सीलरेशन जीरो है, क्या इसकी एक्सीलरेशन जीरो है, नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है,
डायरेक्शन चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी नॉट स्पीड। वेलोसिटी के पास दो चीजें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड एक उसका डायरेक्शन। वेलोसिटी के पास दो चीजें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड एक उसका डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड बदल गया तो वेक्टर बदल गया, डायरेक्शन बदल गया तो वेक्टर बदल गया, दोनों में से कोई भी बदल गया या दोनों बदल गया तो वेक्टर बदल गया। यानी एक्सेलरेशन जीरो होने का एक ही कंडीशन है कि ना मैग्नीट्यूड बदले ना डायरेक्शन बदले। या मैग्नीट्यूड तो भले ही बदल नहीं रहा है, डायरेक्शन तो बदल रहा है, भले ही इसकी मैग्नीट्यूड पहले ये इस तरह से था अभी इस तरह से है, यानी ये वेक्टर घूम तो गया ना, ये वेक्टर पहले इस तरह जा रहा था और अब घूम गया, इसकी डायरेक्शन तो बदली। और जब भी कोई दो वेक्टर, समझो अगर ये एक वेक्टर है और कुछ देर बाद ये ऐसा वेक्टर बन गया, ये इनिशियल वेक्टर है और ये फाइनल वेक्टर है, भले ही दोनों की लेंथ बराबर हो बट चेंज तो होगा ना, ये दिस इज द चेंज ना। This plus v final minus v initial क्या होगा बताओ, ये प्लस ये v final minus v initial ना ये हो जाएगा, this is v final minus v initial होगा ना, this is not zero, क्यों not zero? because direction is changing, direction of velocity is changing, therefore velocity is changing, velocity change हो रहा है। ये बात और है, ये जो acceleration है, acceleration का दो component होता है, एक होता है rate of change of direction, एक होता है rate of change of speed। acceleration के दो part होते हैं, acceleration के दो part होते हैं, क्या कौन कौन से part होते हैं? rate of change of speed, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, और दूसरा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन। यहां पर ये भले जीरो है, ये नॉन जीरो है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उस पर आएंगे कुछ देर बाद। तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, ऑल द स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट होता तब एक्सेलरेशन जीरो होता। तीसरा, अगर ये पार्टिकल यहां से चला, ए से चला और इसके डायमेट्रिकल वेट पॉइंट बी तक पहुंच गया, अरे पार्टिकल ए से चला और बी तक पहुंच गया, फ्रॉम ए टू बी मींस द डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए टू बी, जब ये ए से ट्रेवल करके बी तक पहुंचा, हम जानना चाहते हैं फाइंड चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कितना होगा बताओ, एंड फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। कितना हुआ था जब ये ए से चल के बी तक पहुंचेगा, और द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जीरो, दैट मीन्स वी टू का मॉड माइनस वी वन का मॉड। समझो यहां इसकी वेलोसिटी अगर वी जे कैप है, यहां अगर इसकी वेलोसिटी वी जे कैप है, और यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी है माइनस वी जे कैप है, यहां इसकी वेलोसिटी वी जे कैप थी और यहां पे आएगी तो माइनस वी जे कैप हो जाएगी, तो इसका मॉड वी, इसका मैग्नीट्यूड भी वी, वी माइनस वी जीरो। लेकिन हम निकालना चाहते हैं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, सो मॉड ऑफ वी टू माइनस वी वन टू वी, पहले v2 वेक्टर में से v1 को माइनस करो तब मॉड लो, यहां पहले मॉड ले लो तब माइनस करो, यहां क्या करेंगे पहले क्या करेंगे v2 वेक्टर का में v1 को घटा देंगे, तो आएगा माइनस टू वी जे कैप, उसका मॉड होगा 2v,
फोर्थ पॉइंट, इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी बताओ? पूरी नहीं नहीं अरे इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी v बाय r, इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी v बाय r, इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी v बाय r, ठीक है? ठीक है, तुम ये नहीं देखा इसकी एक्सेलरेशन जो है नॉन जीरो है, इसकी एक्सेलरेशन तो है, ये जो एक्सेलरेशन है ये हमेशा सेंटर की तरफ होती है, उसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन, वो इस तरह से आती है। हमेशा किसी पॉइंट पे इसकी नेट एक्सेलरेशन किधर होगी? सेंटर की तरफ होती है। इसकी एक्सेलरेशन किधर होगी? सेंटर की तरफ होगी। टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसकी एक्सेलरेशन जीरो होती है, किसी पॉइंट पे जो इसकी नेट एक्सेलरेशन वो सेंटर की तरफ होती है। इसकी वैल्यू आती है ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, और v इज इक्वल टू कितना बताओ? ओमेगा आर। सो ओमेगा आर का होल स्क्वायर बाय आर एंड दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। इसको बोलते हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन। ये हमेशा किसी पॉइंट पे रेडियली इनवर्ड होता है, सेंटर की तरफ होता है। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन। ये नेट एक्सीलरेशन नहीं है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन। भले ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है बट इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है हर सेकंड, जो ये घूम रहा है, जो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है उसका रेट होता है वी स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर आर। इसका पांच प्रूफ है, फाइव प्रूफ्स। क्लासिक एग्जांपल ऑफ वेक्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत ही अच्छे अच्छे इसके एक्सप्लेनेशन हम सब बताएंगे। अभी तो स्टार्ट हुआ है, आज हम एक्चुअली प्रिपेयर ही नहीं कर पाए, हमको सुबह से मतलब दोपहर से थोड़ा सा गिरी सर का तबीयत खराब था, इस चक्कर में हम लोग मतलब मुझे पता ही नहीं था मुझे कौन सी क्लास कब लेनी है, चक्कर में ये नहीं हो पाया। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर, तो ये होता है ओमेगा स्क्वायर, तो ये इसको हम देखेंगे बाद में। इसकी एक्सेलरेशन हमेशा क्या होती है? सेंटर की तरफ होती है। किधर होती है? यानी एक्सेलरेशन फिक्स नहीं है, यहां एक्सेलरेशन इधर था, यहां पहुंच जाएगा तो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ, यही मैग्नीट्यूड यही, पर डायरेक्शन घूम रहा है, मैग्नीट्यूड यही लेकिन डायरेक्शन घूम रहा है। इसीलिए जब कोई इलेक्ट्रॉन घूमता है न्यूक्लियस के बाउंड उसकी एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होती है, कितनी होती है? v स्क्वायर बाय r। अगर मून रोटेट कर रहा है अर्थ के अबाउट, तो मून का एक्सेलरेशन सेंटर के ऑफ अर्थ की तरफ है, कितना? v स्क्वायर बाय r। अर्थ का एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ सन की तरफ है, v स्क्वायर बाय r। इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ, हम ये जानना चाहते हैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी? v बाय r। तो टाइम टी में ये कितना एंगल घूमेगा? तो टाइम टी में ये कितना एंगल घूमेगा? सो व्हाट इज द एंगल रोटेटेड बाय दिस पार्टिकल इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी? हम ये जानना चाहते हैं व्हाट इज द एंगल रोटेटेड बाय दिस पार्टिकल इन टाइम इंटरवल। सो आवर सिक्स्थ पॉइंट वुड बी एंगल रोटेटेड बाय this particle in time delta t कितना होगा बताओ? delta theta हो जाएगा omega delta t, uniform speed है ना, वैसे होता है delta theta is equal to
ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, डेल्टा थीटा इज ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, बिकॉज ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसीलिए एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है। यहां पर क्या है, यहां पर क्या है ए, यहां अल्फा कितना है जीरो है, बिकॉज ये यूनिफॉर्म है कॉन्स्टेंट स्पीड है तो अल्फा यहां कितना है जीरो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी जीरो है, ओमेगा कॉन्स्टेंट है, ओमेगा कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। तो इसका मतलब है सिंपली कॉन्स्टेंट स्पीड इंटू टाइम, तो ये हो जाएगा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट स्पीड, मतलब कितना हो गया वी बाय आर, वी बाय आर था देखो इंटू टाइम, ओमेगा या वी के टर्म में लिख सकते हो, ठीक है। ये इतना एंगल घूम जाएगा, ये इतना एंगल घूम जाएगा, चलो। तो इसकी एक्सेलरेशन इधर होती है क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। जब इसके हम डायनेमिक्स में आएंगे, डायनेमिक्स मीन्स एफ इज इक्वल टू एम ए, तो हम याद रखेंगे जब भी कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है बिकॉज उसके पास एक ही एक्सेलरेशन है, जब भी कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है उसके पास सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन है, कौन सी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन है, सेंटर की तरफ इस पॉइंट से ओरिजिन की तरफ एक्सेलरेशन कितनी है v स्क्वायर बाय r या ओमेगा स्क्वायर r। इसीलिए इसके ऊपर जितने भी फोर्सेस एक्ट करेंगे, टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक फोर्स, कोई भी फोर्स हो, इसके ऊपर जितने फोर्सेस हैं उनका वेक्टर सम सेंटर की तरफ आएगा और उसको लिखेंगे नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज इक्वल टू मास इनटू दिस एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर, सो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज इक्वल टू मास इनटू वी स्क्वायर बाय आर एंड दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड दिस फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर टू मेंटेन दिस मोशन टू प्रोवाइड दिस एक्सेलरेशन is called centripetal force. Centripetal force is not a new force, it is a force, any force acting towards center. और वो हर force आता है physics में कहीं ना कहीं, including pressure, हर chapter में circular motion ये chapter that is common to every chapter. Physics का ऐसा कोई chapter नहीं है जिसमें circular motion नहीं आता है, मतलब circular motion का use नहीं होता है। तो हम यहाँ पे इसको देखेंगे acceleration। अब ये बताओ कि मान लो एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से, एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से, मैंने उसके रास्ते को बेंड कर दिया, तो क्या इसकी, तो जब ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा था कांस्टेंट स्पीड से तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी थी, जीरो। जब ये स्ट्रेट लाइन पे चल रहा था कांस्टेंट स्पीड से क्या इसकी एक्सेलरेशन थी, जीरो। अब मैंने इसको बेंड कर दिया, अब क्या इसकी एक्सेलरेशन जीरो है, नहीं। तो एक अंतर आता है, कांस्टेंट स्पीड से चलने का मतलब स्ट्रेट लाइन पर एक्सेलरेशन जीरो, पर जैसे इसको बेंड कर दोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन शुरू हो जाएगा। अब बताओ ये चल रहा था एक्सेलरेटेड था, ये एक्सेलरेटेड था तो उसके पास किसी मोमेंट पे क्या था, एक वेलोसिटी भी था इंस्टेंटेनियस और एक एक्सेलरेशन भी था, किसी मोमेंट पे इसके पास एक वेलोसिटी भी था और एक एक्सेलरेशन भी था क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है। अब मैंने इसको बेंड कर दिया, अब यहां पे इसके पास टेंजेंशियली एक एक्सेलरेशन होगा जिसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ये वही है जो पहले था जो स्ट्रेट लाइन पे था, 5 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड जो भी था। अब मैंने इसके रास्ते को बेंड कर दिया तो वो जो इसकी वेलोसिटी पहले थी एक्सेलरेशन टेंजेंशियली तो वही रहेगी लेकिन रेडियल एक्सेलरेशन हो जाएगी वी स्क्वायर बाय आर। रेडियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिपेंडेंट होती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। देखो ये बताओ, मैं ये जानना चाहता हूं t इज इक्वल टू जीरो पर, ये सर्कुलर मोशन है,
टी इक्वल टू जीरो पर ये यहां पर था, ठीक है टी, और इसकी एंगुलर स्पीड है कांस्टेंट, कितनी है ओमेगा, जो कि कांस्टेंट है, यानी ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इक्वल टाइम में इक्वल एंगल घूम रहा है। ओमेगा कांस्टेंट मतलब कितना है, इक्वल टाइम में इक्वल एंगल घूम रहा है। हम जानना चाहते हैं रेडियस आर, फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू टी, किसी टाइम टी में इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी वो निकालना है। टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू टी तक में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी वो निकालना है। तो क्या करोगे, कैसे निकालो, मान लो ये ए से चला, किसी टाइम पर ये कहां पहुंच गया, बी पे पहुंच गया, एग्रीड, डिस्प्लेसमेंट ए भी है, इज दिस द डिस्प्लेसमेंट, ए बी वुड बिकम, इफ दिस एंगल इज थीटा, समझो इफ दिस एंगल इज थीटा, और थीटा कितना हो जाए बताओ, ओमेगा टी, क्यों होगा, हर सेकेंड ओमेगा घूमता है, टी टाइम में कितना घूमेगा, ओमेगा टी, इस ट्राइंगल में ये साइड पता, ये साइड पता, एंगल ये पता, ये निकालना है, तो क्या करेंगे, यहां से ड्रॉप कर दो एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर, बिकॉज ये आइसोसेलेस ट्राइंगल था, ये इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा, ये एंगल क्या होगा बताओ, थीटा बाई टू, ये कितना होगा, थीटा बाई टू, ये है आर, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, आर साइन थीटा बाई टू, ये कितना हो जाएगा लेंथ बताओ, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये है आर, और ये जो है टोटल था थीटा, ये टोटल था थीटा, ये था थीटा बाई टू, तो ये बन जाएगा आर साइन थीटा बाई टू, आर साइन थीटा बाई टू, ये भी कितना हो जाएगा बताओ, r sin theta by 2, तो तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट आएगा ab, that would become 2 times of r sin theta by 2, जिसको तुम ये लिख सकते हो 2 times of r sin omega t, theta कितना है, omega t by 2, चेक करके देख लो, इसकी वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी बताओ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो, क्या पॉसिबल है, 2r से 0 तक, पहले ये डिस्प्लेसमेंट जो है ए से बी दूर जाएगा, यहां मैक्सिमम डिस्टेंस पहुंचेगा, फिर घटने लगेगा, ये है डिस्प्लेसमेंट एज फंक्शन ऑफ टाइम। अगर तुम जानना चाहते हो चेंज इन वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम, क्या जानना चाहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम, यहां इसकी वेलोसिटी थी, यहां इसकी वेलोसिटी थी वेक्टर वी, ऐसे करके जब यहां पहुंच गया तो इसकी वेलोसिटी है ऐसे करके, कितनी है वी, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन बदल चुका है, मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन बदल चुका है, तुमसे पूछा है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज वेलोसिटी मीन्स क्या हो गया, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये निकालना है एज फंक्शन ऑफ टाइम, v final minus v initial निकालना है function of time, time के साथ कैसे change होगा, तो क्या करेंगे, दो तरीके हैं मेरे पास, याद है इसको हम i cap j cap लिखो, i cap j cap लिखो minus करके mod ले लें, हम जानते हैं this is v j cap and this would be understand because ये tangent है, because ये tangent है और ये radius है, ये 90 degree है, हम जानते हैं ये अगर theta है, ये भी theta है, ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, देखो ये अगर थीटा है, ये पैरेलल लाइंस है, ये भी होगा थीटा, दिस प्लस दिस 90 इज 90, ये भी थीटा हो जाएगा, इसको क्या लिख दोगे, v sin थीटा माइनस i कैप प्लस v cos थीटा j कैप, ये भी कर सकते हो, और नहीं तो तुम ये समझो वेक्टर v और वेक्टर, इन दोनों वेक्टर में एंगल कितना है, सो बताओ इस वेक्टर और इस वेक्टर में एंगल कितना है, तो इसको उठा के यहां ले आओ, बताया था टेल से टेल कोइंसाइड करेगा, ये इनिशियल वेक्टर और ये फाइनल वेक्टर में एंगल कितना है, इसमें और इसमें एंगल कितना है, थीटा, एग्रीड, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर में, इसको उठा के यहां ले आओ, टेल से टेल मिला दो, ये एंगल बनेगा थीटा, तो इन दोनों वेक्टर में एंगल थीटा, अगर एड करना होता
तो लिखते अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस टू इंटू वी इंटू वी कॉस थीटा, बट हमको तो सबट्रैक्ट करना है, तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस टू इंटू वी कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी में एंगल थीटा होता है तो वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी में एंगल 180 माइनस थीटा होता है, बताए हुए दैट वुड बिकम इक्वल टू टू वी स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस टू वी स्क्वायर कॉस थीटा। टू वी स्क्वायर ले लो कॉमन, वन माइनस कॉस थीटा इज टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू एंड दैट इज इक्वल टू टू वी साइन ओमेगा टी बाई टू। इसकी वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी सो बताओ, इसकी वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी सर? टू वी से जीरो, टू वी से जीरो होनी भी चाहिए। यहां से वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पहले बढ़ेगा, यहां मैक्सिमम हो जाएगा, फिर घटने लगेगा और फिर यहां पे आगे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वापस जब ये यहीं पहुंच जाएगा यहां पे मैक्सिमम होगा और जब वापस पहुंच जाएगा यहां पे जीरो हो जाएगा। ठीक है चलो।